नीचे के लाल बटन को दबाकर अभी तुरंत हमारे YouTube चैनल मिस्टर बजरंग सर को सब्सक्राइब करें और स्पोकन इंग्लिश के गुर सीखें। दोस्तों, इस स्लाइड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैंने स्पोकन इंग्लिश की सीरीज के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। मैं जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपको जब कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ताकि आप अच्छी तरह से स्पोकन को सीखने का एक कारगर राह चुन सकें और उसमें आगे चलकर सफल हो सकें। तो हमारा आज का पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास कलम है? इसे हम कहेंगे, हैव यू गॉट अ पेन? यदि ये पूछना हो कि क्या तुम्हारे पास कलम है या क्या आपके पास कलम है, तो हैव यू गॉट अ पेन। ऐसे ही कोई अन्य सामान का नाम भी हो सकता है, हम पूछते हैं तो पेन के जगह पे उस सामान का नाम दे देंगे। जैसे, क्या तुम्हारे पास टोपी है? हैव यू गॉट अ कैप? क्या आपके पास किताब होगा? हैव यू गॉट अ बुक? क्या आपके पास प्रिंटर है? हैव यू गॉट अ प्रिंटर? क्या आपके पास दूध है? हैव यू गॉट मिल्क? दोस्तों, आपने देखा मिल्क से पहले मैंने ए एन सब नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि मिल्क तो गिनने वाली चीज़ नहीं है और जिसे गिनी नहीं जाती उससे पहले ए या एन नहीं लगा जाता। ठीक है, तो आप नहीं गिनने वाली जो अनकाउंटेबल नाउन है उससे पहले ए एन मत लगाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकते हैं। कई बार होता है ना, आप कहीं बाहर हैं और आपको कलम की ज़रूरत पड़ गई तो आप पूछते हैं ना सामने वाले से, क्या आपके पास कलम होगा? क्या आपके पास कलम है? कैसे पूछेंगे? हैव यू गॉट अ पेन? अब मान लीजिए कई बार किसी से पूछना पड़ता है कि एक और कलम होगा, एक और साइकिल होगा आपके पास, एक और मोबाइल है, एक और घड़ी होगा, ऐसा भी पूछना पड़ता है, तो इसे कैसे पूछेंगे? दोस्तों, एक और जब पूछना हो कोई सामान के बारे में तो हम इसमें थोड़े से बदलाव करेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। हम कहेंगे, हैव यू गॉट वन मोर? हैव यू गॉट वन मोर? और फिर सामान का नाम बोल देंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी से पूछना है, क्या तुम्हारे पास एक और कलम होगा? तो हम कैसे पूछेंगे? हम पूछेंगे, हैव यू गॉट वन मोर पेन? क्या आपके पास एक और मोबाइल होगा? हैव यू गॉट वन मोर मोबाइल? क्या तुम्हारे पास एक और कॉपी है? हैव यू गॉट वन मोर नोटबुक? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये दोनों तरह के क्वेश्चन, एक और वाले और सामान्य वाले, पूछने में सफल रहेंगे। तो अब हम इसका जवाब कैसे दें ये भी सीख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के जवाब कभी यस में देना पड़ता है, हाँ में, तो कभी नो यानी कि नहीं में जवाब देना होता है। तो सीधे यस या नो नहीं बोलकर इसे कैसे पूछेंगे, सॉरी, जवाब देंगे ये देखते हैं। दोस्तों, यदि हमें हाँ कहनी हो तो हम इसके जवाब में कहेंगे, यस आई हैव। जैसे किसी ने पूछा, हैव यू गॉट अ पेन? या हैव यू गॉट वन मोर पेन? आपको कहना है हाँ मेरे पास है, तो हम कहेंगे यस आई हैव। इतना नहीं बोलना है कि यस आई हैव गॉट अ पेन, नो, इतना ही बस बोलना है, यस आई हैव। और यदि मान लीजिए नहीं है तो हम कहेंगे, नो आई डोंट हैव। अच्छा रहेगा जब नहीं बोलनी हो तो उससे पहले सॉरी भी लगा के बोलेंगे। ठीक है, सॉरी आई डोंट हैव। क्या बोलेंगे? सॉरी आई डोंट हैव या सॉरी आई हैवंट। और है मेरे पास तो इसके लिए यस आई हैव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके बड़े काम के होंगे। आप ज़रूर इन चीज़ों का उपयोग करेंगे या फिर आंसर के तौर पर भी आप हमारे द्वारा बताए गए टिप्स का उपयोग करके अंग्रेजी बोलेंगे और थोड़ा अपना धौंस जमाएंगे। तो आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? दोस्तों, कई बार तुम्हारा ये चीज़ क्या है, तुम्हारा वो चीज़ क्या है, या आपका ये चीज़ क्या है, आपका वो चीज़ क्या है, यह पूछना होता है। इसे पूछने के लिए हम देखिए, आप ध्यान से, क्या है, व्हाट इज़ योर? आप व्हाट इज़ योर या फिर व्हाट्स योर भी बोल सकते हैं, व्हाट्स, WHAT apostrophe S लगा करके भी। और WHAT apostrophe S उस तरह से ही यानी कि व्हाट्स ही ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में बोले जाते हैं, तो व्हाट्स योर। अब जिस चीज़ के भी बारे में पूछा जाए क्या है तो उसका नाम दे देंगे। जैसे, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, तो मोबाइल नंबर दीजिए, व्हाट्स योर मोबाइल नंबर। ऐसे ही पूछा जाए आपसे कि तुम्हारा पता क्या है, तो व्हाट्स योर एड्रेस। तुम्हारा क्वालिफिकेशन यानी योग्यता, कितने पढ़े हो ये पूछा जाए, तुम्हारा योग्यता क्या है, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, जैसे आपका एड्रेस क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस। तो तुम्हारे पिताजी क्या हैं, व्हाट्स योर फादर। तो
आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आप गौर से देखिए, लिखा हुआ है टोपी कितने का है। कई बार कोई सामान के बारे में हम दुकानदार से पूछते हैं या अपने दोस्तों से, अपने करीबी से, अगल बगल वाले से, अजनबी से हम पूछ देते हैं कि यह कितने का है, वह कितने का है। दोस्तों, कोई सामान के बारे में हमें पूछना हो कि यह कितने का है, वह कितने का है, तो इसके लिए बड़ा आसान है, आप हाउ मच इज बोलकर उस सामान का नाम बोल दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी से पूछना है टोपी कितने का है, तो हाउ मच इज द कैप। ठीक है, अब जैसे घड़ी कितने का है, हाउ मच इज़ द वॉच। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने सवाल को पूछ सकते हैं। जैसे यह टेबल कितने का है, हाउ मच इज़ दिस टेबल। वह घड़ी कितने का है, हाउ मच इज़ दैट वॉच। यह डायरी कितने का है, हाउ मच इज़ दिस डायरी। तो मुझे यकीन है कि अब आप इस तरह के सवाल की कोई चीज़ कितने का है यह पूछने में एकदम चकमा नहीं खाएंगे। दोस्तों, चौथा सेंटेंस पर गौर करिए। चौथा सेंटेंस है, यह किताब किसकी है। कई बार होता है ना, किसी का कुछ छूट जाता है तो हम पूछते हैं, या उसे याद नहीं रहता है तो हमें पूछना पड़ता है यह किताब किसकी है। तो हुज बुक इज़ दिस। ऐसे ही कलम के बारे में कहनी हो तो आसान है, बुक के जगह पर पेन बोल दीजिए, हुज पेन इज़ दिस। यह बैग किसकी है, हुज बैग इज़ दिस। ठीक है, अपनी भावनाओं को रख सकते हैं, क्वेश्चन जर सकते हैं। यह प्रिंटर किसकी है, हुज प्रिंटर इज़ दिस। यह टेबल किसकी है, हुज टेबल इज़ दिस। ठीक है, अब इसका मान लीजिए जवाब देना है, जैसे कहानी हो यह मेरी है, तो आप दिस इज़ माई मत बोलिएगा, आपको इसके लिए बोलना होगा दिस इज़ माइन। कभी आपको भी तो बोलने पड़ते हैं ना जवाब, तो आपको कहनी है यह मेरी है, तो हम कहेंगे दिस इज़ माइन। ठीक है, यह उसका है, दिस इज हिज। यह उसकी है, दिस इज हर्स। हर नहीं बोलिएगा इसके जवाब में, जब ऐसे कहनी हो कि यह उसकी है, दिस इज हर्स। यह उसका है, दिस इज हिज। यह मेरा है, या यह मेरी है, दिस इज माइन। ठीक है, अब यह के जगह पर यदि आपको वह कहनी हो तो आप दिस के बदले में दैट बोल दो। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन हो या आंसर हो। जैसे वह किताब किसकी है, हुज बुक इज़ दैट। वह कलम किसकी है, हुज पेन इज़ दैट। नहीं, जैसे वह कलम मेरी है तो हम क्या कहेंगे, दैट पेन इज़ माइन। है ना, तो चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, तुम्हारी मोबाइल कौन सी है। कई बार कौन सी है भी पूछने पड़ते हैं, तुम्हारी मोबाइल कौन सी है, तो हम कहेंगे विच इज़ योर मोबाइल। नहीं, बहुत सारे सामान मोबाइल रखे हुए हैं, मान लीजिए आप पूछा जा रहा है कि तुम्हारी मोबाइल कौन सी है, तो कहेंगे विच इज़ योर मोबाइल। ठीक है, तुम्हारी कॉपी कौन सी है, विच इज़ योर नोटबुक। नहीं, सर पूछते हैं तुम्हारी कॉपी कौन सी है, विच इज़ योर नोटबुक। नहीं, तुम्हारा खिलौना कौन सा है, विच इज़ योर टॉय। है ना, तुम्हारा किताब कौन सा है, कैसे पूछेंगे, विच इज़ योर बुक। तुम्हारी किताब कौन सी, नहीं जैसे पूछनी हो कि तुम्हारी बैग कौन सी है, विच इज़ योर बैग। ठीक है, अब आपको जवाब में कहनी है यह मोबाइल मेरी है, तो हम कहेंगे दिस मोबाइल इज़ माइन। ठीक है, वह मोबाइल मेरी है, दैट मोबाइल इज़ माइन। यह किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन। वह किताब मेरी है, दैट बुक इज़ माइन। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इन तमाम क्वेश्चंस और कुछ आंसर्स यानी कि जवाब को ज़रूर ही पसंद किया होगा। यदि आपने इसे थोड़ा सा भी पसंद किया तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और साथ ही मैं इससे भी और भी अच्छी वीडियोज बनाने की कोशिश करूँगा, उसका भी हिस्सा आप बन सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।